हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बताएंगे आप सबको कि आप अपनी वीडियो पे आई बटन कैसे लगा सकते हैं। वो बहुत से जने बोलेंगे बहुत आसान है, इसलिए हम इस आज की इस वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल आई बटन कैसे लगता है। और बहुत सारे जने बोलेंगे हमें आता है लगाना, तो हम उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। जो नए नए यूट्यूबर आए हैं उन्हें आई बटन के बारे में नहीं पता है कि आई बटन में व्यूज़ कैसे आते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं जिससे हमारे व्यूज़ इंक्रीज़ हो और कैसे लगाते हैं। आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल बताएंगे और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको अपने क्रोम में ले जाके, क्रोम में से ही लगता है ये बटन। चलिए चलते हैं अपने क्रोम एप्लीकेशन में, वहाँ बताते हैं आपको क्या करना है। चलिए, आपको अपना क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कोने में थ्री डॉट का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड, इसको अनेबल करके आपको अपना YouTube को क्लिक कर देना है। जो YouTube लिखा है यहाँ पे, या YouTube.com लिख के सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। हम YouTube पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी जिस आईडी से आपका चैनल लॉगिन है उस आईडी को इसमें कर लेना है, लॉगिन करके रखना है। और बताते हैं, हमारा ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद बताएंगे हम आपको क्या करना है। चलिए, ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन यहाँ सर्च बार पे क्लिक करना है, फिर अपने आइकन पे जाना है। आइकन पे जाने के बाद आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सर्च लेगा। सर्च के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा YouTube स्टूडियो। YouTube स्टूडियो का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक कर देना है। YouTube स्टूडियो में आपको आ जाना है। अंदर अंदर आने के बाद हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। ओपन होने दीजिए, हमारे थोड़ा टाइम ले रहा है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है हम बताएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है हमारा। ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन देखा है कोने में, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जितनी वीडियो होंगी YouTube चैनल पे वो सारी वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। शो होने के बाद आपको आई बटन लगाना है, तो किसी वीडियो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे क्लिक कर देना है, पेंसिल जैसा। एडिट पर आप जब क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको वीडियो के नीचे जाना है, जो आपकी वीडियो सामने दिख रही है इसके नीचे जाना है। इसके नीचे कार्ड का ऑप्शन देखा है, इसी को हम आई बटन कहते हैं। आपको कार्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो इसमें डालनी है अपने हिसाब से, वीडियो डालनी है, प्लेलिस्ट डालनी है या कोई दूसरा चैनल डालना है, उसके हिसाब से क्लिक कर लेना है। तो हमें वीडियो डालना है, तो हम वीडियो पे क्लिक करते हैं। वीडियो को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपके चैनल की वीडियो होगी वो शो हो जाएगी। अगर आपकी शो नहीं हो रही है तो आपके चैनल पे बहुत सारी वीडियो होंगी, तो आप सर्च बार में सर्च कर लीजिए आपका वीडियो का टाइटल। हम अपनी वीडियो ले लेते हैं आई बटन में। आप आई बटन में खाली 5 वीडियो डाल सकते हैं, और एक और कार्ड पर क्लिक करके आपको वीडियो सेक्शन लेना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वापस से वही इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ क्या करना है, आपको कोई एक वीडियो ले लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। ऐसी आपको सारी वीडियो सिलेक्ट करनी है जो आपको चाहिए, और आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव कर देना है वीडियो को। वीडियो को सेव कर दिया। हमने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया कि आई बटन कैसे लगता है, ठीक है। और आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। बताते हैं आई बटन का क्या यूज़ है। आई बटन का ये यूज़ है, जैसे आप अपने सब्सक्राइबर को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपनी, जो आपने अभी वीडियो बनाई है उससे पहले वाली वीडियो में उसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे पार्ट्स में बताते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वैसे हिसाब से आपकी वीडियो है, तो आप उसमें आई बटन पे अपनी वीडियो दे सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर बोल सकते हैं। आई बटन में जाके आप चेकआउट कर लीजिए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो पूरी देख के फिर आइए, या आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ तभी आप कर सकते हैं जब आपकी वीडियो चल रही हो, आपने कहा आई बटन ऊपर है आपकी
जाके वीडियो चेक कर लीजिए, फिर तुरंत उसी समय आई बटन आना चाहिए ऊपर। आप ऐसे करेंगे तभी आपको आई बटन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन पे कर दीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर माई ऑल यूट्यूब फैमिली।